नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आज सैकड़ों लोगों ने नगर निगम कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले प्रोजेक्ट बाग मुगलिया 12 नंबर बस स्टॉप और गंगानगर के हितग्राहियों को आवास नहीं मिले, जिसके कारण लोगों ने निगम कमिश्नर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि उन्हें मकान के पूरे पैसे देने के बाद भी पोजीशन नहीं दिया गया है। ऐसे में सिर्फ यही नहीं, प्रदेश भर में कई परिवार प्रधानमंत्री आवास के अपने सपने से अछूते हो रहे हैं। लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों पर तानाशाही के आरोप भी लगाए। बता दें कि 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करीब 2050 फ्लैट बनाए गए थे। जिस ठेकेदार को ये काम दिया गया था, उस ठेकेदार ने सही तरीके से फ्लैट नहीं बनाए और 20-20 लाख रुपये में लोगों ने नगर निगम के द्वारा फ्लैट खरीद लिया, मगर आज तक उन्हें उन फ्लैट का कब्जा नहीं मिला है, जिसके बाद आज लोगों ने यहां पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। पहले 5 साल से इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि जो पूर्व में जो ठेकेदार थे उनके द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया गया था, टाइम से नहीं किया जा रहा था, तो वो टर्मिनेट हुए थे। सिर्फ इन 3 साइट्स की ये प्रॉब्लम्स थी, तो इन तीनों साइट पे अब नए ठेकेदार का चयन तो हो चुका है, वो गुणवत्ता को सुधार के और फिर से काम कर रहे हैं और अब जो है इनको फेजेज में हम ब्लॉक बाय ब्लॉक इनके पोजीशन का कार्रवाई करेंगे आगे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।